दोस्तों नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 24 मार्च 2024, फागुन शुक्ल चतुर्दशी पर चंद्रमा सिंह राशि और पूर्व फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, राहु काल रहेगा। शाम को 5:03 से लेकर के शाम को 6:35 तक भद्रा रहेगी। सुबह 9:54 से लेकर के रात को 11:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सुबह 7:34 से लेकर के सुबह 6:19 तक दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। रात को 11:13 से लेकर के रात को 12:38 तक। अब इसे क्यों शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है? देखिए, होली का दहन का विशेष पर्व है, महापर्व है होली का दहन, और ऐसे में भद्रा में होली जलाना मना है और विशेष रूप से भद्रा को टाला जाता है। ऐसे में होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा रात को 11:13 से लेकर के रात को 12:38 तक, और इस दिन विशेष रूप से फागुन चौमासी चौदस भी मनाई जाएगी। और हमारा जो विशेष उपाय है वो होली का दहन से है, उसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। लेकिन कमल नंदलाल के भविष्यफल में सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की, बात करेंगे पहली राशि मेष यानी एरीज की। मेष राशि वालों, घरेलू कामकाज से परिजन संतुष्ट रहेंगे, आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, ग्रह क्लेश से परेशान रहेंगे, दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी, उपाय ये करेंगे नाभि पर लाल चंदन लगाएं। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, कारोबार में नए मौके मिलेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ होगा, घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, छात्र पढ़ाई में सफल रहेंगे, दाम्पत्य खुशहाल रहेगा, उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में लाल फूल चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पुराने मित्रों से मिलकर खुशी होगी, घरेलू कामकाज सफल रहेंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, परिजनों के साथ में डिनर करने जाएंगे, उपाय ये करें कि घर की पूर्व दिशा में दीपक करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में लोग सहयोग देंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, उपाय ये करें कि लाल पेन से धन लिखकर जेब में रखें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, सेहत पर ध्यान दें, कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कामकाज का बोझ कुछ कम होगा, सामाजिक कामों में भाग लेंगे, उपाय ये करें कि अजवाइन का सेवन करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, घरेलू कामकाज आसानी से निपटेंगे, कारोबारी यात्राएं सफल रहेंगी, जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, नए काम में रुचि बढ़ेगी, अचानक व्यापार में लाभ के योग हैं, आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, परिजनों के साथ में आप समय बिता पाएंगे, उपाय ये करें कि पर्स में गेहूं के दाने रखें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, जीवन साथी की मदद से खास काम पूरे होंगे, जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा पाएंगे, निवेश में लाभ होगा, राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा, शत्रुओं से सतर्क रहें, उपाय ये करें कि लाल फूल गंदे नाले में बहा दें। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे, रिश्तों में मधुरता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं, काम मन मुताबिक पूरे होंगे, कारोबारी काम को तारीफ मिलेगी, उपाय ये करें कि कलाई है उस पर लाल धागा बांधें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, प्रॉपर्टी के मामले सफल रहेंगे, खास काम निपटाने में अधिक समय लग सकता है, मानसिक उलझने रहेंगी, अपने गुस्से पर काबू रखें, घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा, उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र के निमित्त गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, व्यवसाय में निवेश से लाभ होगा, धन लाभ के योग हैं, सभी परिजन प्रसन्न रहेंगे आपसे, पारिवारिक तनाव मिटेगा, मित्रों की मदद से कामकाज सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि चुटकी भर रोली जल प्रवाह करें। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, करियर में कोई खुशखबरी मिल सकती है, खास पारिवारिक काम पूरे हो सकते हैं, कामकाज को टालने से आपको बचने की मैं सलाह देता हूँ, ऐसे में क्या उपाय करें, गरीब महिला को तांबे का बर्तन दान करें। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो अवसाद से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, पहले तो बेहद खास दिन है, साल का आखिरी महापर्व है वर्ष का, तो ऐसे में
होलिका दहन का पर्व है और इस दिन होली का पूजन करने का विधान है, होलिका की अग्नि के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, अवसाद से, डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए सफ़ेद कपड़े में नारियल, अक्षत और शतावरी ये डालकर उसे अपने सर से वार लीजिए 7 बार और अपने हाथ में लेकर ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में जितना भी अवसाद है, जितना भी डिप्रेशन है वो दूर हो जाए और इसे होलिका की अग्नि में चला दीजिए और उस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम प्रह्लाद ध्याय मां नाय नमः। ओम प्रह्लाद ध्याय मां नाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको अवसाद से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।